ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से संयुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें सामान्य कोटे में बहाल हुए हैं 75% से भी ज्यादा बाहरी अभ्यर्थी, यानी कि वे झारखंड के हा ही नहीं। खबर की बात करें तो प्लस टू के लिए हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में अनारक्षित कोटे में 75% से भी ज्यादा अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के बहाल हुए हैं। आपको बता दें कि 11 विषयों के लिए 617 सीटें अनारक्षित कोटे में दिखाई गई। आपको बता दें कि इसमें सफल अभ्यर्थियों के अस्थायी पता के आधार पर यदि आंकड़े निकाले जाए तो तकरीबन 471 अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहा जा सकता है कि यूपी के हैं और उसके बाद फिर बंगाल से है। आपको बता दें कि यूपी से 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने प्लस टू शिक्षक बहाली में अपना स्थान बनाया है, तो वहीं बंगाल की बात करें तो बंगाल से 90 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। ज्यादा अभ्यर्थी संस्कृत विषय में सफल हुए हैं, तो वहीं अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में सबसे ज्यादा बंगाल के अभ्यर्थी अनारक्षित कोटे में आए हैं। तीसरे नंबर पर बिहार के 50 अभ्यर्थी। आपको बता दें कि कुल जो है जनरल कैटेगरी में 617 सीटें थी आरक्षित, इन सीटों पर 471 अभ्यर्थी दूसरे राज्य के हैं जो सफल हुए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से प्लस टू शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो परीक्षा का आयोजन हुआ है, फाइनली इसका रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें आपको बता दें कि इसके साथ साथ दिल्ली व मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में चयनित हुए हैं। जी हाँ, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और साथ में दिल्ली व मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में चयनित किए गए। टीजीटी के रिजल्ट की बात करें तो आपको जानकारी के लिए बता दें अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि दिसंबर के लास्ट तक सभी जिलों का रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है और जनवरी 2019 तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, इसके बारे में भी खबर आ चुकी है। रिजल्ट के लिए आप तमाम अभ्यर्थी जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.nic.in पर विजिट करते रहे और यहाँ